नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर चल रहे विवाद के बीच संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 तक था और उन्होंने अचानक कार्यकाल पूरा होने से 5 पहले अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से औद्योगिक निवेश की गति बढ़ेगी, होंगे करोड़ों रुपए के करार। महाकौशल अंचल में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने शनिवार को जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दीप जलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। आयोजन में देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों और नामी कंपनीज के प्रतिनिधि शामिल हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने पर मिलेगा नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश। हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्यता देने संबंधी बड़ी राहत दी। ये राहत इस शर्त के साथ दी गई कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों एवं नियमों के आधार पर मान्यता प्रक्रिया शुरू की जाए। रेलवे ने निकाली बंपर भर्ती, 2400 से अधिक पद खाली। सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती निकली है। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रिक्त पदों की संख्या 2424 है। मुंबई क्लस्टर भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर में पेंटर, टेलर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इंदौर उज्जैन रोड पर दोनों तरफ 4-4 मीटर और चौड़ी होगी सड़क। 46 किलोमीटर का हिस्सा 6 लेन बनेगा। सिंगर्स को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सड़क विकास निगम इंदौर उज्जैन 4 लेन का काम जल्द शुरू होगा। निर्माण एजेंसी तय होते ही एमपीआरडीसी ने अब दिसंबर से सड़क से जुड़े कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश में हर दुकान के सामने लिखा हो दुकानदार का नाम। इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर संचालक का नाम लिखे जाने का मुद्दा उत्तर प्रदेश से अब मध्य प्रदेश पहुंच गया। इंदौर से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर पूरे मध्य प्रदेश में यही व्यवस्था लागू करने की मांग की। झारखंड पुलिस आज इंदौर से सीखेगी ट्रैफिक मैनेजमेंट। जो बातें अच्छी लगी वो अपने प्रदेश में करेंगे लागू। स्वच्छता, स्मार्ट सिटी, स्वाद आदि सूचियों में इंदौर पहले नंबर पर है। अब शहर के यातायात के लिए भी अच्छी खबर है। वैसे तो शहर का बिगड़ा यातायात किसी से छिपा नहीं, परंतु हम कुछ अन्य शहरों से काफी बेहतर हैं। ये मानना है झारखंड पुलिस का। झारखंड पुलिस की टीम को यातायात प्रबंधन सीखने इंदौर आई है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में गड़बड़ी के बाद अब सामान्य होने लगा हवाई यातायात। सुबह की दिल्ली भोपाल उड़ान निरस्त। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज के कारण भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से हवाई शुक्रवार को हवाई प्रभावित हुआ था। 3 उड़ानें निरस्त करनी पड़ी थीं। यात्रियों के ई बोर्डिंग पास भी नहीं निकल रहे थे। शनिवार सुबह से हवाई यातायात में सुधार होना शुरू हो गया। नीट यूजी का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आज 20 जुलाई को नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर रिलीज हुआ। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई। 18 जुलाई को नीट विवाद पर सीजेआई की बेंच के सामने हुई तीसरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। 13 जिलों को एमपी से अलग करने का प्रस्ताव, भील प्रदेश बनाने की मांग। मध्य प्रदेश के 13 जिले अलग करके 3 अन्य राज्यों के 36 और जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग एक बार फिर से उठी। इनमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। इस मामले में राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में 18 जुलाई को आदिवासियों ने एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास कर दिया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।